सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक और इकलौता टॉपिक होने वाला है वो मिस्टीरियस म्यूजिक, जिसके बारे में टीम कैप्टेरियंस वालों ने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज मैं अपनी थ्योरीज बताऊंगा इस म्यूजिक से रिलेटेड कि आखिर ये म्यूजिक क्या है, किसका म्यूजिक है, ठीक है, कौन से गेम का म्यूजिक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि ये जो म्यूज़िक है ना, ये आइस स्क्रीम, मिस्टर मीट और ईवलन, इन तीनों गेम में से ही एक किसी गेम का म्यूज़िक है, ठीक है। एंड अभी हम बात कर लेते हैं आखिर ये म्यूज़िक किसका हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मुझे ये म्यूज़िक सुन के लग रहा है, मतलब एक फंकी टाइप सा म्यूज़िक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आइस स्क्रीम में ऐसे मिनी गेम्स बहुत सारे होते हैं, तो हो सकता है ये आने वाले आइस स्क्रीम चैप्टर 8 के किसी मिनी गेम का म्यूज़िक हो। तो पॉसिबल है कि आइस स्क्रीम 8 के मिनी गेम का म्यूज़िक हो। सेकंड, ये भी हो सकता है कि ये म्यूज़िक मिस्टर मीट के किसी चैप्टर से रिलेट करता हो, ऐसा भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई चांस लग रहे हैं कि ये आइस स्क्रीम चैप्टर 8 के किसी मिनी गेम का म्यूज़िक है। इसका एक और रीज़न ये भी है कि आप लोग यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो म्यूज़िक का जो वीडियो शेयर किया है, इसमें एक फ्रीज वाला लोगो बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इसको देख के मे भी एक हिंट हो कि ये आइस स्क्रीम के चैप्टर 8 का म्यूज़िक है। तो यस, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये म्यूज़िक किस गेम का हो सकता है इन तीनों गेम में। बाकी मुझे इस चीज़ के बहुत कम चांस लग रहे हैं कि ये जो म्यूज़िक है, मिस्टीरियस म्यूज़िक, ये मिस्टर मीट से रिलेट करता होगा। सो या